पौड़ी में पसुडा खाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच बैठक की। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर 6 स्वास्थ्य केंद्रों के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती की वित्तीय शक्ति छीनकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जांच बैठा दी है। दरअसल पौड़ी जिले में इससे पूर्व भी रिणकी खाल और खीसू में पद पर रहते प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी धमक दिखानी नहीं छोड़ी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपने निचले अधिकारी कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतें इससे पूर्व में भी सामने आ चुकी है। वहीं अब पसुडा खाल समेत 8 स्वास्थ्य केंद्र का जिम्मा संभाल रहे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भी शिकायती पत्र सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि जांच पर दोषी पाए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। मैं अभी दो जगह गई हूँ, दो सीएचओ से मुलाकात हुई। मेरे संज्ञान में तो ये नहीं आया, अगर संज्ञान में आएगा तो मैं सीएमओ को निर्देशित करूँगी। मैम, क्योंकि रिकनी खाल में भी इस तरह की शिकायत आई थी और खिड़सू में भी, और अब पसुंडा खाल के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत आई। अगर शिकायत सही पाई गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैडम द्वारा भी आपको कहा गया है, मैं भी आपसे लगातार यही कहता हूँ कि मेरे जनपद में अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो निश्चित रूप से उसको जो है बख्शा तो नहीं जाएगा, और जांच में कई बार समय लग जाता है। हालांकि रिकनी खाल वाला मैटर ज़रूर थोड़ा पुराना हो गया, मैंने उसमें भी जांच कमेटी तुरंत ही गठित कर दी थी, लेकिन उस समय डेंगू का काफ़ी व्यापकता थी, तो डीएम साहब ने उन्हीं में से मेरे जो अधिकारी थे उनको एक को तो उन्होंने स्टेशन कर दिया सीधे कोटद्वार काफ़ी समय के लिए। उस चक्कर में विलंब हो गया, वो जांच पूर्ण हो गई है, एक दो दिन में मेरे पास जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी होगा बख्शा तो नहीं जाएगा।